क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ ही कुछ गाड़ियों के पीछे कुत्ते दौड़ने लगते हैं और भौंकने लगते हैं? तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते कुछ ही गाड़ियों के पीछे क्यों दौड़ने लगते हैं और भौंकने लगते हैं, जबकि एक इलाके में कितनी अननोन गाड़ियां आती जाती हैं पर सब पर वो नहीं भौंकते, कुछ ही कुछ स्पेसिफिक गाड़ियों पर भौंकते हैं, बट किस पर भौंकते हैं? तो चलिए आपको हम बताते हैं। जिस तरह ह्यूमन में सोशल कॉलोनीज होता है, रेजिडेंसीज, कॉलोनीज, अपना पहचान, कोई एक इंसान किसी दूसरे कॉलोनी में गया हो तो उसे अननोन फील करना, जिस तरह ये सोशल चीजें इंसान में होती हैं उसी तरह कुत्ते में भी होती हैं। कुत्तों का भी एक अपना कॉलोनी होता है, एक झुंड का अपना कॉलोनी होता है। आप जहाँ रहते हो वो जगह ए है, आपको जाना है जगह बी, तो अगर आपका गाड़ी है उस पर आप जहाँ रहते हो, कॉलोनी ए का कुत्ता आपकी गाड़ी पर टॉयलेट कर दे तो आपकी गाड़ी से उसका स्मेल अटैच हो जाएगा। गाड़ी, बाइक या कार जो भी हो, उसे यदि दूसरी कॉलोनी में ले जाओगे तो वहाँ के यानी कॉलोनी बी के कुत्ते, कॉलोनी बी के लीडर एग्रेसिव कुत्ते होंगे। वो सोचेंगे कोई दूसरा कुत्ता हमारी कॉलोनी में आ रहा है, वे गाड़ी पर भौंकने लगेंगे क्योंकि गाड़ी पर मौजूद स्मेल उनके माइंड को लगने लगता है कि कोई दूसरा कुत्ता हमारी कॉलोनी में प्रवेश कर रहा है। हमें इसे जांच करने की जरूरत है। एक्चुअल में उसमें कुत्ता तो नहीं होता है, लेकिन उन्हें कंफ्यूजन होता है और वे गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगते हैं। ऐसा कोई साइकोलॉजिकल चीज होता है क्योंकि कुत्ते की स्मेल पावर सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आपको पता ही होगा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इंसान से बहुत ज्यादा होती है कुत्ते की स्मेल पावर, तो वो दूर से ही स्मेल कर लेते हैं। और आप देख रहे हो कि कुत्ता बाइक या कार पर भौंक रहा है, तो समझ लेना कि वह बाइक या कार ऐसी कोई जगह है जहाँ कि किसी दूसरे कुत्ते ने उस पर टॉयलेट कर दिया है, और यही कारण है कि कुछ गाड़ियों पर कुत्ते भौंकने लगते हैं। क्या ये फैक्ट आपको पता था? और यदि नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना।